नमस्ते, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे कि अगर हम कुछ दिनों के लिए या लंबे अरसे के लिए अगर एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर देते हैं तो उससे हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बिना किसी देर के लिए किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज के डॉक्टर डेलिक ने एक रिसर्च साझा की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो आपके बॉडी पर उसका क्या फर्क पड़ता है। दरअसल इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए 35 मैन एंड वुमेन को शामिल किया गया जिनकी एज लगभग 22 से 77 ईयर्स के बीच में थी और वो सभी नॉन स्मोकर्स थे और ज़्यादा कोई फिजिकली एक्टिव भी नहीं थे। सभी पार्टिसिपेंट्स को 13 वीक का एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करने के लिए कहा गया। 13 वीक्स के बाद उन सभी को दो ग्रुप में रैंडमली डिवाइड किया गया जिसमें ग्रुप वन जिसे एडिशनल 4 वीक्स की तक की ट्रेनिंग को एक्सटेंड किया गया, उन्हें कहा गया और 4 वीक्स तक आप एक्सरसाइज कीजिए, और ग्रुप टू को यहाँ पे एक्सरसाइज स्टॉप करने के लिए कहा गया आफ्टर 13 वीक्स। तो मतलब ग्रुप वन और एडिशनल एक्सरसाइज कर रहा था और ग्रुप टू जो है 13 वीक्स खत्म होने के बाद, प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीटली रोक चुका था। अब इंटरेस्टिंग इन दोनों ग्रुप के रिजल्ट्स हैं। ग्रुप वन जो कि अपनी 13 वीक की ट्रेनिंग के बाद भी कंटिन्यूसली फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा और ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो किया जिसके रिजल्ट ये हुआ कि उनके ओवरऑल फिटनेस, ब्लड प्रेशर, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड यानी TGL पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुए। और वहीं दूसरी तरफ ग्रुप टू ने एक्सरसाइज को 13 वीक्स तक फॉलो किया और उसके बाद ग्रुप वन की तरह कोई भी एडिशनल फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज अगले 4 वीक तक परफॉर्म नहीं की, जिससे ग्रुप वन को जो फायदे अपनी ट्रेनिंग के कंटिन्यू करते हुए मिल रहे थे वो ग्रुप टू को नहीं मिल पाए। बल्कि ग्रुप टू के सभी लोगों में ब्लड प्रेशर, HDL कोलेस्ट्रॉल और TGL के जो लेवल में जो इम्प्रूवमेंट 13 वीक के ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद हुआ था वो कंटिन्यू करने के बाद वो उनको वापस से नहीं मिला, बल्कि उनका जो फिटनेस लेवल था वो वापस पहले से जैसा पहुंच गया जैसे वो पहले से शुरुआत किए थे। तो ग्रुप टू के 13 वीक्स के जो भी इम्प्रूवमेंट हुए थे वो सिर्फ एक मंथ में फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से सारे वैनिश हो गए। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इस रिसर्च से कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए, उसे कम्प्लीटली छोड़ नहीं देना चाहिए। अपने आपने सुना होगा सोसाइटी में लोगों को बात करते हुए कि जिम जाता था तो अच्छा खासा फिट था और या थी, और अब जब नहीं जाता है तो देखो क्या हालत हो गई है, एंड अल्टीमेटली बदनाम क्या हो जाता है, जिम का नाम खराब होता है। उनके लाइफस्टाइल चेंजेस को कोई ऑब्जर्व नहीं करता कि उन्होंने क्या अडॉप्ट किया उसके बाद जो पहले हेल्दी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व थे और अब कैसे वो लाइफस्टाइल में आ गए हैं। सो एक्टिव रहिए, हेल्दी रहिए एंड सोसाइटी में पॉजिटिविटी बनाए रखिए जिससे आपसे लोगों को कुछ अच्छा करने के इंस्पिरेशन मिल सके। आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।